5 जनवरी साल 1971 को क्रिकेट के इतिहास में पहला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेला गया। यह मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड में खेला गया। आज भले ही एक दिवसीय मुकाबला 50-50 ओवर का होता है, लेकिन यह पहला एक दिवसीय मैच 40-40 ओवर का खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 190 रन बनाए थे। जवाब में बैटिंग करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 5 विकेट शेष रहते 191 रन बनाकर इस मैच को जीत लिया। 82 रन बनाने वाले इंग्लैंड के जॉन एड्रिज ने वनडे इतिहास में पहला मैन ऑफ द मैच खिताब हासिल किया। 5 जनवरी साल 1880 को क्रांतिकारी बारिंद्र कुमार घोष का जन्म हुआ। घोष भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार थे। उन्हें बारिन घोष के नाम से भी जाना जाता है। वे आध्यात्मवादी अरविंद घोष के छोटे भाई थे। बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय बारिंद्र कुमार और स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई भूपेंद्रनाथ दत्त को ही जाता है। बारिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त के सहयोग से 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति का गठन किया गया, जिसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून। 1909 में हुए अलीपुर बम कांड के लिए बारिंद्र घोष और युगांधर पार्टी के सदस्य उल्लास्कर दत्त को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप से सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।